तो गाइजर अभी मैं पूरा का पूरा रेडी हो चुका हूँ। आप देख सकते हो अभी बजने वाले सुबह के 6 बज चुके हैं और आज मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि गाइजर आज है लॉस सैंटोस का सबसे अच्छा दिन। आज है लॉस सैंटोस में $10 डे। इस लॉस सैंटोस के दिन पे लॉस सैंटोस में जितनी चीज है वो $10 की मिलती है, इसलिए मैं सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि गाइजर आज मैं लेने वाला बहुत सारी चीजें। आज रात 12 बजे तक ये $10 डे चलने वाला है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ये चाहिए $10 में, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी उड़ गया हूँ। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। और ये क्या की में सरप्राइज सरप्राइज, अबे ये क्या, ये वैन कहाँ से लेके आ गया? अरे वेकी भाई, ये मैं वैन आपको सरप्राइज करने के लिए लेके आया। अबे अभी तो सुबह 6 बजे, तू कितने बजे उठा था? अरे वेकी भाई, मैं तो कल रात से सोया ही नहीं हूँ, कल शाम को मैंने इस गाड़ी को खरीदा था। अबे शिनचैन, तूने कल शाम को खरीदा था? कितने की खरीदी? अरे वेकी भाई, जितने मैंने पैसे बचाए थे सारे के सारे खर्च कर दिए, पूरे $2 लाख। अबे शिनचैन, तू पागल है क्या? आज लॉस सैंटोस में $10 डे, मतलब सारी की सारी चीजें $10 मिलने वाली है, और तू कल शाम को ये $2 लाख की वैन लेके आया है और वो भी इतनी खटारा सी। अरे वेकी भाई, मुझे नहीं पता था $10 डे है। अबे शिनचैन, पूरे लॉस सैंटोस को पता है $10 डे है और तू पूरे के पूरे पैसे खर्च करके आ गया? अबे तू पागल है क्या शिनचैन? वो सब छोड़, तेरे पास अभी कितने पैसे बचे? अरे वेकी भाई, 0 अंडा शून्य। क्या 0? तूने सारे पैसे खत्म कर दिए, मैंने सोचा तेरे पास पैसे होंगे। अरे वेकी भाई, मेरे पास तो नहीं है पर आपके पास तो जरूर होंगे ना। अरे शिनचैन, मेरे पास सिर्फ $8 है और कुछ भी हमें चीज खरीदनी है तो $10 चाहिए होंगे, मतलब $2 और मुझे चाहिए। मैंने सोचा $2 तेरे पास होंगे तो मैं तेरे से ले लूंगा, पर तूने तो सारे पैसे इस पे खर्च कर दिए। अरे वेकी भाई, इसका मतलब हम $10 डे नहीं बना सकते? नहीं शिनचैन, $10 डे तो हम बना के रहेंगे, मुझे कैसे भी करके $2 चाहिए। तू कैसे, मेरे पास अभी $8 है, शिनचैन का बच्चा ये पूरी की पूरी खटारा सी वैन पे $2 लाख खर्च करके आ चुका है, और अगर आज के दिन $2 लाख खर्च करते तो हमारे पास 10 सुपर कार, 10 SUV, 10 मेंशन और भी पता नहीं कितनी चीज आ जाती, पर शिनचैन ये खटारा सी वैन लेके आ चुका है। अब ये तो हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे जल्दी से थोड़े पैसे ढूंढ लेने चाहिए। मेरे पास $8 तो है, मुझे $2 और चाहिए, कहाँ पर मिलेंगे? जल्दी जल्दी ढूंढते, अपने घर में कहीं पर तो $2 पड़े होंगे, उनको लेने के बाद हम कुछ चीज खरीद पाएंगे क्योंकि आज सारी की सारी चीजें $10 मिलने वाली है। इतनी सुबह सुबह मैं उठा था, शिनचैन ने पूरा का पूरा प्लान फेल कर दिया यार। मैंने सोचा था शिनचैन की सारी सेविंग्स से आज हम $10 में बहुत सारी चीजें लेंगे, पर शिनचैन ने तो एक जगह वैन ले ली और सारी अपनी सेविंग खत्म कर दी है। अरे $2 मिल जा, $2 कहाँ पर मिलेंगे? मेरे घर में $2 नहीं है। सोचो यार, हम कितने ज्यादा गरीब हो रखे हैं, कहीं तो होंगे, इस ड्रॉअर में से ढूंढते हैं। एक सेकंड, मुझे मिल गए। और गाइस अभी आप देख सकते हो मुझे $3 मिल चुके और मेरे पास हो चुके हैं $11। तो गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अब हम एक चीज तो कम से कम खरीद पाएंगे। वैसे मैंने सोचा था बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारी कार्स, मेंशन खरीदने का, पर अब हम कुछ नहीं खरीद सकते क्योंकि मैं बस सिर्फ $11 में एक ही चीज खरीद सकता हूँ। चलो कम से कम एक चीज तो खरीदते हैं, उसके बाद हम और पैसे कमाने का तरीका सोचेंगे ताकि हम और भी बहुत सारी चीजें खरीद पाए। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। शिनचैन ने ये वैन $2 लाख की खरीदी है, अगर मैं इस वैन को बेचूं तो ये बिल्कुल नई है तो कम से कम $1.5 लाख तो हमें वापस से मिल जाएंगे, तो इसको फटाफट से बेचते हैं, देखते हैं हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं और उसके बाद हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, फिर हम बहुत सारी चीजें खरीद पाएंगे क्योंकि आज है $10 डे। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताओ, अगर ये $10 डे आपकी सिटी में आ जाए तो आप क्या क्या खरीदोगे $10 से? फटाफट से कमेंट करके बता दो। और हम चलते हैं सीधा साइमन के पास क्योंकि वो एक ही जना है जो कि हमारी ये वैन खरीदने वाला है। चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी हम साइमन के पास पहुंचने वाले हैं। देखो साइमन का नया नया कार शोरूम खोला साइमन ने, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करते हैं। साइमन क्या हाल है? आ गया फ्रैंकलिन चिंदी, मुझे पता था $10 के दिन तू जरूर आएगा। अरे अब यार लॉस सैंटोस में इतना अच्छा दिन आ गया तो उसी दिन गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो साइमन के पास कितनी सारी खतरनाक खतरनाक गाड़ियां हैं, इनमें से अभी हम खरीदने वाले। अरे साइमन मुझे एक खतरनाक सी गाड़ी खरीदनी है, जल्दी से दे दो। सॉरी फ्रैंकलिन, तुम कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकते। अरे क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि जो वो बिजनेसमैन है उसने हमारी सारी की सारी सुपर कार्स खरीद ली है, अब हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं बची। मैं बस थोड़ी देर में अपने शोरूम में लॉक लगा
के जा रहा हूँ सोने। अरे साइमन ऐसा मत कर। अरे सर सर सर, आपने सारी गाड़ियाँ क्यों खरीद ली? मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैंने सारी की सारी गाड़ियाँ खरीद ली। अरे साइमन ऐसा मत कर, कोई गाड़ी तो होगी, तेरे शोरूम में एक भी गाड़ी नहीं है क्या? एक गाड़ी तो दे दे कम से कम। नहीं फ्रैंकलिन, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं बची, सारी की सारी गाड़ियाँ बिक चुकी है। अरे सर सर, प्लीज प्लीज मुझे एक गाड़ी दे दो, कोई सी भी एक गाड़ी दे दो। नहीं बच्चे, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए तो कल आना। कल? कल तो $10 डे खत्म हो जाएगा, फिर ये गाड़ियाँ तो $1,000,000 की हो जाएगी। हाँ बच्चे, $1,000,000 की। आज सारी गाड़ियाँ खरीद के कल बेचूंगा महंगे में। रुक जाओ सर, मेरे पास एक आइडिया है। आज है $10 डे, मतलब सारी के सारी चीजें $10 में मिलती है, और मैं आपको दूंगा पूरे के पूरे $11 एक गाड़ी खरीदने के लिए, मतलब $10 से ज्यादा। वाओ, ये डील तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ओके डन मैम, तुम मुझे $11 दो, तुम फिर कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो। ओके सर, तो कैसे पड़ाव वर्जन को $11 ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे तो आज $10 डे पर मैं इनको $11 देने वाला हूँ, ताकि मैं इनकी खतरनाक सी गाड़ी खरीद पाऊँ। तो कैसर, अभी हमने इनको पेमेंट कर दिया और मैं लेने वाला हूँ ये खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी। तो कैसर, आज की हमारी सबसे पहली परचेज $10 डे की $11 की लैम्बोर्गिनी, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साइमन, अब सबसे जरूरी बात, हमने ये कल वैन खरीदी थी $2,00,000 की, इसमें थोड़े से स्क्रैचेस है, तो एक काम कर, तू मुझे $1,50,000 दे दे, और ये कल की कल नई खरीदी हुई गाड़ी मैं तुझे दे दूंगा। क्या $1,50,000 में? फ्रैंकलिन, अगर तुम किसी नॉर्मल दिन पे आते तो मैं तुम्हें $1,50,000 जरूर देता, पर आज आज है $10 डे, इसलिए अगर तुम्हें ये गाड़ी बेचनी है तो मैं तुमको दूंगा पूरे $10। क्या? अरे ये गाड़ी हमने $2,00,000 की खरीदी है और मैं तुझे $1,50,000 में दे रहा हूँ, तू मुझे $10 देगा? फ्रैंकलिन देरी है तो बताओ, दूंगा तो मैं सिर्फ $10 ही। अरे कैसर, अब मैं क्या करूँ यार, ये गाड़ी $2,00,000 की खरीदी और अब ये $10 में बेच रहे हैं, इस गाड़ी को हमें $10 में बेचना पड़ेगा। पर कैसर, अभी आप सोचो, हम एक खतरनाक सा गोल्डन जेट प्लेन भी खरीद सकते हैं $10 में, और कल उसकी प्राइस हो जाएगी $10,000,000, तो इसलिए मैं इसको बेचने वाला हूँ। ओके साइमन, डील फिक्स करते हैं, ये वैन तुम्हारी हुई $10 में। रुक जाओ फ्रैंकलिन, इस वैन में बहुत सारे स्क्रैचेस है, इसलिए मैं तुम्हें $9 दूंगा। अरे ये क्या बात हुई, $9 नहीं $10 चाहिए? नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं दूंगा। अरे यार, अब ये क्या बोल रहा है, चल ठीक है $9 ही दे दे। ओके फ्रैंकलिन, ये लो। तो कैसर, अभी मुझे मिल चुके हैं $9, तो मेरा टोटल बैलेंस हो चुका है $9, और हमें एक खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी भी मिल चुकी है। अगर मेरे पास $10 होते तो मैं एक और कुछ खरीद पाता, पर अब हमें $1 और चाहिए ताकि हम और कुछ खरीद पाए। अरे यार, मुझे तो पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो वो सब की सब चीजें मैं खरीद लेता, पर लिस्ट तो हमारे पास है नहीं। पर मेरे दिमाग में सारी चीजें सेट है, मुझे क्या क्या खरीदना है। मुझे खतरनाक सी प्राइवेट बोट खरीदनी है, एक गोल्डन हेलीकॉप्टर, एक गोल्डन जेट, एक खतरनाक सा मेंशन, एक फ्लाइंग मेंशन, और एक बड़ी सी बिल्डिंग। मुझे ये सारी की सारी चीजें खरीदनी है और हम ये खरीद के रहेंगे, पर अभी हमारे पास सिर्फ $9 है। तो सबसे पहले तो $1 और जमा करते हैं ताकि हम कुछ खतरनाक सा खरीद पाए। पर कैसर, आप हमारी मदद कर सकते हो हमें पैसा जमा करने के लिए, आप कमेंट करके हमें पैसा डोनेट कर सकते हो। आपके पास जितने भी पैसे कमेंट कर दो वो हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे $1 तो हमारे बैंक अकाउंट में $1 ऐड हो जाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे $10 तो हमारे अकाउंट में $10 ऐड हो जाएंगे। तो आप जितने चाहे हमारे बैंक अकाउंट में ऐड करवा सकते हो, 100, 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, पता नहीं कितने करोड़ों आप ऐड कर सकते हो। तो फटाफट से कमेंट में बहुत सारे पैसे लिख दो ताकि हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए और फिर हम बहुत सारी चीजें खरीद पाएंगे। चलो फटाफट से $1 जमा करते हैं जब तक आप कमेंट करो। तो कैसर, मुझे चाहिए बहुत सारे पैसे क्योंकि मुझे खरीदनी है बहुत सारी चीजें, इसलिए हम आ चुके हैं बैंक रॉबरी करने। एक बैंक की है जहाँ से हमें मिल सके बहुत सारे पैसे ताकि हम डॉलर डे आराम से बना पाए। चुपचाप सब के सब नीचे बैठ जाओ, चुपचाप नीचे बैठ जाओ वरना फेंकी भी आपको खा जाएंगे। अबे क्या भूत हो रहा हूँ मैं, खा जाऊंगा क्या बोलता है सिंचर, तो डराने के लिए उनको क्या बोल रहे हैं। रुक जाओ, सारे के सारे पहले कैमरा फोड़ देते हैं, जल्दी 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 तोड़ो। यहाँ पे एक और बचा है, इसको फटाफट से तोड़ देते हैं। तो कैसर, कैमरा हमने तोड़ दिया, अंकल जल्दी जल्दी बाहर आओ। तो कैसर फटाफट से अंकल को बाहर बुलाते हैं, उसके बाद ये अंकल हमें देंगे बहुत सारे पैसे खोलने की चाबी। अरे भैया मुझे मत मारना, भैया मुझे मत मारना, मैं तुझे नहीं मारूंगा, जल्दी जल्दी खोल दे वरना मैं तेरे को गोली मार दूंगा।
ओ गलती से मैंने इसको ही मार दिया है यहाँ पे। लगता है हमें ऐसे निकलना चाहिए। शिनचैन भाग यहाँ से। अरे काइजर पहली बैंक रॉबरी तो हमारी फेल हो गई और सामने से पुलिस आ रही है। जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। अरे काइजर चोरी भी नहीं करी, सामने पुलिस और आ गई। जल्दी भगा के यहाँ से निकलते हैं। अबे पुलिस वाले कहाँ से आ गए? अभी तो मैंने चोरी स्टार्ट भी नहीं करी थी। यहाँ पे एक और पुलिस वाला। मैंने गलती से बैंक वाले को मार दिया, वो लॉकर खोल रहा था उसको लॉकर भी मार दिया। अभी दूसरे बैंक में चल के चोरी करते हैं। तो काइजर पिछली वाले बैंक में तो हमने थोड़ी गलती कर दी थी, पर इस बार मैं कुछ गलती नहीं करने वाला और मैं पिस्टल का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये आराम आराम से चलती है यार, वो वाली बहुत ही ज्यादा तेज चल जाती है। तो वापस हमें सारे के सारे कैमरास को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फटाफट से कैमरास डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पर ये बचा इसको भी कर देते हैं। अब जल्दी से अंकल को बाहर बुलाते हैं। अंकल जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। और इस बार मैं कोई इनको गोली वोली नहीं मारने वाला, बस इनको डराऊंगा। अंकल जल्दी बाहर आ जाओ। दीवारों पे गोली मारूंगा, इनकी तरफ भी एम भी नहीं करूंगा, बस इनको डराना ताकि ये जल्दी से जल्दी खोल दे। अंकल जल्दी खोलो वरना गोली मार दूंगा, जल्दी खोलो। और काइजर अभी अंकल गेट खोलने वाले हैं। मैं इनको बिल्कुल भी गोली वैसे डरा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। पिछली बार भी अंकल मर गए थे, हम अंदर नहीं पहुंच पाए थे और इस बार हम अंदर तक पहुंच गए और गेट खोल गया। अंकल अब आप मर सकते हो, चलो निकलो ऐसे। तो काइजर अभी देख सकते हो कितना सारा कैश यहाँ पर मिल चुका है। फटाफट से इसको डालते हैं अपने बैग में। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, सारा का सारा कैश हम डालने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो कितना सारा कैश हमें मिलता जा रहा है और यहाँ पर और भी बहुत सारा कैश बचा है, तो इसको ही फटाफट से डाल लेते हैं। तो काइजर अभी हमने पूरा का पूरा बैंक लूट लिया है और हमें मिले हैं $73.00, मतलब हमारे पास हो चुके हैं $73 और हम खरीद सकते हैं 7 चीजें। अरे मैं तो भूल गया था पुलिस भी होती है। अरे क्या एकदम से सामने आ गया, मैं तो डर ही गया। अरे अंकल हट जाओ, सो जाओ यार, क्यों बार बार उठ रहे हो। तो काइजर अभी आप देख सकते हो यहां पे कितनी सारी पुलिस आ चुकी है। और काइजर पुलिस वाले जितनी बार हमें एक एक गोली मारेंगे उतनी बार हमें अरे यार एक एक डॉलर कम होते जाएंगे। तो काइजर यहां से फटाफट से निकलते हैं, ऑलरेडी मुझे गोली लग चुकी है। अबे शिनचैन के बच्चे जल्दी बैठ। और ये क्या शिनचैन को मार दिया, मेरी बेकी में जल्दी भगाओ। अबे यहां से निकलो। तो काइजर पुलिस वालों ने मुझे बहुत ही ज्यादा गोलियां मार दी और उसके बाद मेरे पास हो चुके $54। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये आगे पीछे से कोई से भी मुझे गोलियां लग रही है। बचाओ। अरे ये सामने कौन आ गया, मैं क्रैश भी हो रहा हूँ तो मेरे पैसे गिर रहे हैं। तो काइजर मुझे जल्दी से जल्दी पुलिस वालों से पीछे छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा देर ये पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ेंगे उतनी बार मेरी क्रैश होगी और मुझे गोलियां लगेगी और उतनी बार मेरे पैसे कम होते जाएंगे। तो काइजर अभी मेरे पास $50 हो चुके हैं, तो मुझे और कम नहीं करने, इसलिए पुलिस भी अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाते और पुलिस एस्केप करवाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। और फिर से क्रैश हो गई। अरे पुलिस वालों छोड़ दो, फिर से क्रैश हो गई। भगाओ जल्दी भगाओ, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, ये पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। बचाओ, मेरे को कितनी बार क्रैश होगी। मुझे लगता है लास्ट में हमारे पास सिर्फ $10 बचेंगे। इतनी बड़ी बैंक रॉबरी करी और हमारी गाड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। चलो फटाफट से यहाँ पे छुप जाते, यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। तो काइजर मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ जब तक पुलिस एस्केप नहीं हो जाती। तो काइजर पुलिस सब की सब जा चुकी है। और काइजर अभी आप देख सकते हो मेरे पास बचे सिर्फ $28। इतना ज्यादा मैं अपनी गाड़ी से भिड़ा कि मेरे आधे पैसे हवा में गिर गए और मेरे पास सिर्फ $28 बचे। तो काइजर अभी हम दो चीजें और खरीद सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़े पैसे कमा लिया जाए, क्योंकि अभी शुरू में बहुत सारे पैसे कमा के फिर एक ही बारी में सारे के सारे पैसे उड़ाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और मुझे अभी पता चला लॉस सैंटोस में खतरनाक सी रेस होने वाली है। उस रेस में जो भी जीतेगा उसको मिलने वाले $100, मतलब मैं 10 चीजें खरीद पाऊंगा उसके बाद। तो मैं उस रेस में जाने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि हम उस रेस में जीत जाए ताकि हम बहुत सारी चीजें खरीद पाए। तो फटाफट से उस रेस में चलते हैं। अगर मैं वो रेस जीत गया तो उसके बाद हम सारे के सारे अपने पैसे खर्च करेंगे और बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। तो गाइस जहां पर रेस होने वाली है हम वहां पर पहुंचने वाले हैं और अपनी रेस होने वाली है $100 की। और आप देख सकते हो हमें कितने सारे लोग हैं और इन खतरनाक खतरनाक गाड़ियों के साथ हमारी रेस होने वाली है। बुगाटी यहाँ पर है और ये बैटमैन वाली कार, फरारी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है। तो गाइस अभी यहाँ पर रेस शुरू होने वाली है, 3, 2, 1 और ये को भगाओ। तो काइजर अभी आप देखो सारे के सारे लोग मेरे से आगे और अभी मैं चल रहा हूँ 16th पोजीशन पे और मैं सबसे आगे जाने वाला हूँ। हट जाओ, अभी मैं 9th पे आ चुका हूँ और हमारे 3 लैप होने वाले यहाँ पे। अभी मैं 8th पे आ चुका हूँ। तो काइजर पुलिस भी अपनी गाड़ी को भगाते हैं। तो काइजर अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी ये रेस जीत जाऊँ तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो नाइट्रो। अगर आप कमेंट में लिखोगे नाइट्रो तो मेरी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज बढ़ने वाली
वाली है, तो इसलिए फटाफट से कमेंट में लिख दो नाइट्रो। और अभी हम आ चुके पोजीशन 6th पे, हट जा अंकल, और अभी हम 5th पे आ चुके हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो फुल स्पीड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अभी मैं 4th पे आ चुका हूं, और जो फर्स्ट वाला है वो सही में बहुत ही ज्यादा आगे चल रहा है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि अभी हम 3rd पर आ चुके हैं और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं। और ये तो मेरे से आगे जाना चाहता है, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है, रुक जा, इसकी तो इसकी तेजी। गाइस मैं इसके टायर पंचर करने वाला हूं ताकि ये जल्दी से गिर जाए, और इसकी पूरी गाड़ी डिसबैलेंस हो चुकी है। और हम अभी 4th पे एक जना हमसे आगे जा चुका है, पर कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाएंगे। नाइट्रो का यूज करते करते हम जाने वाले उनके पास, अभी 4th पे चल रहा हूं। ये तीसरे वाले की भी मैं टायर पंचर करने वाला हूं, रुक जा रुक जा, थोड़ा सा पास पहुंच के इसके टायर पंचर करेंगे, रुक जा इसके टायर तो मैं पंचर करके रहूंगा। और ये टायर पंचर कर दिया, और ये क्या हो गया, मैं ही गिर गया गाड़ी से, बचाओ। तो गाइस अभी मैं वापस से गाड़ी में बैठना पड़ेगा, और अगली बार से मैं किसी को गोली नहीं मारने वाला। मैं शिनचैन साइड हो जाए, इधर क्यों बैठे है, अरे फेंक ये, मैं जल्दी बोला, हम बहुत ही पीछे रह गए। शिनचैन तू टैक्सी लेके आ जा, मैं जा रहा हूं। तो गाइस अभी शिनचैन को हमने पीछे छोड़ दिया, हम बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुके हैं, 9th पोजीशन पे आ गए। मैं यार फर्स्ट पे आने वाला था, मैंने गोली मारी फिर मैं खुद ही गिर गया, पर गाइस कोई बात नहीं, हम फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाएंगे ताकि हम फर्स्ट पे जा पाए। ये सामने मुझे 8th वाला तो दिख रहा है, इसको मैं आराम से क्रॉस कर लूंगा, और अभी हम 8th पे आ चुके हैं। तो गाइस मुझे वापस से फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, कम से कम टॉप 3 पे मुझे चलना ताकि मैं फर्स्ट भी आ सकूं। और गाइस अभी आप देख सकते हो फुल स्पीड में हम जा रहे हैं, 7th पे हम आ चुके हैं। इस रेस को हमें कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि जो भी जीतेगा उसको मिलने वाले $100, और उन $100 से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। और अभी हम आ गए 6th पे, और मुझे लगता है मैं 5th को भी अगर उसे क्रॉस कर लूंगा, और ये क्या, मैं 4th पे आ चुका हूं। तो गाइस हम टॉप 3 आने वाले हैं, और टॉप 3 हो चुके हैं, अरे बच गया बच गया। तो गाइस अभी मैं फर्स्ट पे आ चुका हूं, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मैं फर्स्ट पे आ चुका हूं। जल्दी अपनी गाड़ी को भगाते हैं फुल स्पीड में। तो मैं अभी फर्स्ट पे चल रहा हूं, सेकंड थर्ड मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, बस मुझे आगे देख के चलाना है, वरना मैं इधर उधर कहीं पे भेड़ दूंगा अपनी गाड़ी को। फुल स्पीड में भगाते हैं, और गाइस हम बस पहुंचने वाले, क्या हम फिनिशिंग लाइन पे सबसे जल्दी पहुंचेंगे, मुझे लगता है सबसे पहले हम ही पहुंचने वाले, फुल स्पीड में भगाते हैं। और गाइस आप देख दो सब लोग कितनी ज्यादा पीछे हैं, और हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये रेस तो अभी खत्म ही नहीं हुई, एक सेकंड, ये तो, अरे ये रेस तो 3-3 लैप की है, मैंने सोचा एक ही लैप की रेस है, इस रोड के हमें 3-3 लैप करने पड़ेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी रेस है, इसलिए $100 एक ही बारी में दे रहे, वरना अगर नॉर्मल रेस हुई ना तो सिर्फ यार $10 देते, पर हमें 100 मिलने वाले हैं, तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा। बीच रास्ते में से शिनचैन को भी वापस से बिठा लूंगा, शिनचैन इधर ही कहीं पे बैठा होगा। चलो गाइस अभी भी हम फर्स्ट पे चल रहे हैं, कोई भी हमारे पीछे भी दिखाई नहीं दे रहा, चलो चलो चलो। और गाइस ये रहा शिनचैन, अरे मुझे भी उठा लो, अरे बैठ जा शिनचैन तेरे लिए आया हूं, अरे वो तो आने वाला है, जल्दी जल्दी भगा भगा भगा। तो गाइस शिनचैन को हमने बिठा लिया है, और ये जना हमसे आगे जा चुका, हम सेकंड पे हो चुके, कोई बात नहीं, सेकंड को हम आराम से क्रॉस कर सकते हैं, बस हमारा ये कोई जाना नहीं चाहिए। तो गाइस शिनचैन भी हमारे साथ बैठ चुका, और इसकी तो ऐसी की तैसी ही है, ले जा 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 बैठ जा बैठ जा। और गाइस इसको तो हमने उड़ा दिया हवा में, आप देख सकते हो वो कैसे हवा में उड़ चुका है, और हम वापस से फर्स्ट पे आ गए। तो गाइस इस फर्स्ट को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये क्या, अब ये इतनी तेज स्पीड में कैसे भगा रहा है, रुक जा इसको भी हम भिड़वाते हैं, इसको भी भिड़ाएंगे, रुक जा रुक जा रुक जा, आ जा आ जा। तो इससे तो आगे तो मैं निकल गया, पर इसको मैं भिड़ा के जरूर रहूंगा, थोड़ी सी अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, और इसकी तो ऐसी की तैसी, इसको तो मैं गिरा के ही रहूंगा कैसे भी करके, ये जा और इसको उड़ा दिया। चलो अरे ये क्या, ये तो वापस सीधा हो गया, नहीं नहीं सीधा नहीं हुआ, और ये एक और जना हमारे पीछे पीछे आ रहा है, इसको आगे जाने जाने दूंगा, इसको ही फटाफट से भिड़ा देते हैं। और ये क्या हो गया, मैं ही हवा में उड़ने लग गया, उसकी गाड़ी की हालत खराब हो गई, पर एक जना हमसे और आगे निकल चुका है। तो गाइस फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हैं ताकि हम सबसे आगे रह सके और इस रेस को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अभी हमारा एक और लैप कंप्लीट हो चुका, अब आखिरी लैप बचा है, और मैं आराम से अपनी गाड़ी को चला सकता हूं। देखो मैं कितना ज्यादा स्लो चलाने वाला हूं, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज्यादा पीछे है, मैंने सबको टक्कर मार मार के उनको बहुत ही पीछे कर दिया है, और मैं अपनी गाड़ी को उल्टा भी चला सकता हूं। अभी आपको चला के दिखाता हूं, देखो कोई भी दिख भी नहीं रहा, तो आराम से अपनी गाड़ी को उल्टा चला के इस पूरी रेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लो चलेगी और कोई लोग हमारे पास नहीं, तो हम आराम से चला सकते हैं। देखो भाई कितना मजा आ रहा है, ये रेस तो पक्का हम ही जीतने वाले, हमको कोई भी नहीं हरा सकता। ये हेलीकॉप्टर हमारी वीडियो बना रहा है ऊपर से, ये पहली बार देख रहे होंगे कोई जरा यार रेस में उल्टी गाड़ी चला रहा है। देखो ओ एक सेकंड, अरे ये लोग तो आ गए, अरे रुक चलो चलो अपनी गाड़ी को वापस से सीधा करना पड़ेगा, पहाड़ पे नहीं जाना, मैं रोड पे जाना है। और गाइस मैं सही में बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुका हूं, मैं आ चुका हूं 4th पोजीशन पे इधर यार खेलने के चक्कर में, पर आप टेंशन मत लो, ये पुलिस वालों को हटा गया, पर आप टेंशन मत लो, इनको यार भेड़ भेड़ के हम वापस से आगे जा पाएंगे। अब ये सेकंड वाले बंदे को थोड़ा सा साइड में इसकी गाड़ी डालते हैं, और इसको हमने उल्टा कर दिया, अब सिर्फ ये फर्स्ट वाला बचा है, इसको फटाफट से साइड में डालते हैं, और हम वापस से आगे निकल चुके हैं। तो गाइस हम वापस से
से फर्स्ट पे आ चुके हैं, फटाफट इस रेस को कंप्लीट करते और जीत जाते हैं $100। आप देख सकते हो हमारी गाड़ी कितनी ज्यादा फास्ट है, इन सबकी गाड़ी बहुत ही स्लो, इन सबकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्लो है और हमारी लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और गाइज़र ये रेस होने वाले कंप्लीट, सामने हमारी फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और हम यहाँ पे स्टंट मारते मारते जाने वाले हैं। देखो ये और ये कंप्लीट। तो गाइज़र हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट पे, हमने रेस अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी। अब बाकी ये सारे लोग अपनी रेस कंप्लीट करते रहेंगे और हमारा बैंक बैलेंस हो चुका है $128। तो गाइज़र अब हम खरीद सकते हैं अपने लिए 12 नई नई चीजें और अगर $2 और मिल जाए तो फिर हम 13 नई नई चीजें खरीद सकते हैं। तो गाइस फटाफट से चलते, अब जितना पैसा हमने कमाया है हम सब उसको उड़ाने वाले, नई नई कार्स, नई नई बाइक्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, नया नया घर और गाइस मेरा सपना पूरा होने वाला अपने फ्लाइंग घर खरीदने का, उसको भी खरीदेंगे। चलो फटाफट चलते सारी की सारी चीजें खरीदते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पर क्योंकि गाइस हमें वहां पे लेनी है खतरनाक सी अपनी डिलीवरी, उसके बाद हम जाने वाले अपने फ्लाइंग हाउस में और फ्लाइंग हाउस में जाने के लिए चाहिए हमें एक खतरनाक सा हेलीकॉप्टर, इसलिए मैं खरीदने वाला गोल्डन हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर वैसे तो $10 million का है पर आज के दिन ये हमें मिलने वाला है सिर्फ $10 में। अंकल क्या हाल है? क्या तुम्हारी पूरी पेमेंट तैयार है? हाँ पूरी पेमेंट में लेके आया हूँ, ये लो आपके $10 और ये हेलीकॉप्टर हो चुका है हमारा। तो कहा सर ये हेलीकॉप्टर हमने खरीद लिया पूरा का पूरा गोल्डन हेलीकॉप्टर और इसमें हम जाने वाले अपने फ्लाइंग घर में। तो अपनी यार कार में हम जा नहीं सकते थे इसलिए मैंने ये हेलीकॉप्टर खरीदे ताकि हम उड़ने वाले अपने घर पे जा सके। चलो फटाफट चलते हैं उड़ने वाले घर पे, उसके बाद मुझे अपने लिए कार का कलेक्शन और साथ में गोल्डन प्राइवेट जेट भी चाहिए। तो सबसे पहले घर चलेंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हम आ चुके अपने फ्लाइंग हाउस में, मतलब ये फ्लाइंग हाउस का थोड़ा फ्लाइंग आइलैंड ज्यादा लग रहा है पर कोई बात नहीं, फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड कराएंगे। अरे कहाँ जा रहा है ये, आराम से यहाँ पे लैंड कराते, खतरनाक से बना रखा अपना हेलीकॉप्टर स्टैंड और हम आ चुके अपने प्राइवेट फ्लाइंग आइलैंड पे। तो गाइस आप देख सकते हो तो यार कितने खतरनाक बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे और ये हमारा मस्त सा घर है, यहाँ पर हम रह सकते हैं। और गाइस बाकी यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिया है, मतलब यहाँ पत्थर ही पत्थर बने हुए और उस तरफ भी घर बने हुए, आप देख सकते हैं हमें कैक्टस पड़े पता नहीं कैसे, ये एक और यहाँ पे मस्त सा घर बना हुआ है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इन पत्थरों को पूरा प्लेन करवा के यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने की। फटाफट से कमेंट करके बताओ हमें फ्लाइंग आइलैंड में क्या क्या करना चाहिए। पेड़ तो यहाँ पे बहुत सारे ही है, या तो हम पेड़ हटा के स्विमिंग पूल बनवा दे, अपने लिए गाड़ियों की पार्किंग बना सकते हैं पर गाड़ियां यहाँ पे हवा में चलाएंगे कैसे वो मुझे नहीं पता है। फटाफट से कमेंट करके बताओ तो कैसा लगा हमारा खतरनाक सा फ्लाइंग आइलैंड, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। चलो अब यार फ्लाइंग आइलैंड तो हो गया, अब बारी अपने कार कलेक्शन की। तो गाइस हम जाने वाले अपने लिए खरीदने वाले बहुत सारी कार्स, मेरे पास अभी भी $100 बचे हैं तो मैं सोच रहा हूँ 4 सुपर कार्स खरीदने की, 4 सुपर बाइक्स खरीदने की, उसके बाद हमें $20 बचेंगे, उसमें से हम एक प्राइवेट बोट खरीदेंगे और उसके बाद जो $10 बचेंगे उससे हम एक खरीदेंगे बड़ा सा मेंशन जो कि हवा में नहीं हो जमीन पर हो और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। चलो फटाफट से खरीदते हैं सारी की सारी चीजें। तो गाइस सर अभी हम पहुंच चुके अपने खतरनाक से मेंशन पर, आप देख सकते हो यहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर को फटाफट से लैंड कराते हैं और थोड़ा सा आगे निकल गया, कोई बात नहीं ये रोड भी अपना, ये $10 देके मैंने पूरा का पूरा रोड खरीद लिया। आप देख रहे हो ना सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, एक भी गाड़ी नहीं आ रही क्योंकि पूरा का पूरा रोड हमने खरीद लिया है। और गाइस सर ये हमारा नया नया घर जहाँ पे हम रहने वाले हैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हमारा बाइक्स का कलेक्शन और अंदर घुसते ही खतरनाक सी बाइक्स, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 सुपर बाइक्स हमारे पास आ चुकी है। मैंने 4 खरीदी पर एक हमें फ्री मिल गई, मतलब डिस्काउंट में फ्री दे दी, तो कोई बात नहीं अभी हमें मिल चुकी है। और गाइस ये हमारा खतरनाक सा नया नया मेंशन जहाँ पर हम आज से रहने वाले। और गाइस हमारा कार का कलेक्शन बीच में पड़ा है, उससे पहले अपना पूरा मेंशन देख रहे थे, ये देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा सा बेडरूम है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है बालकनी में, एक स्विमिंग पूल तो यहाँ पर है ही, ये बड़ा सा स्विमिंग पूल और यहाँ पे जकूजी बिल्कुल गरम गरम पानी और आप सामने देख सकते हो हमारी खुद की बोट खड़ी है और नीचे सारी की सारी कार्स खड़ी है, 5 हमारे पास सुपर कार्स भी हो चुकी है। बाहर यार पार्टी करने का एरिया भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये हमारा लिविंग रूम, ये हमारा मस्त किचन डाइनिंग टेबल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमने यहाँ पे घर ले लिया है। और बेसमेंट में एक खतरनाक सा गेमिंग रूम और प्राइवेट
प्राइवेट सिनेमा, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स है, बास्केटबॉल, पूल, यहाँ पे प्राइवेट सिनेमा है जहाँ पे मस्त मस्त गेम खेल सकते हैं और पिक्चर भी देख सकते हैं। तो गाइज़र ये एरिया सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अभी हम आ चुके हैं ऊपर, यहाँ से हमारी मस्ती बालकनी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखती है, पूरे पूरे घर का टूर आपको दे दे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हमारा एक और बड़ा सा बेडरूम है, ये रूम बहुत ही बड़ा है, इधर मस्त सा बाथरूम भी है और एक और खतरनाक सा बेडरूम, एक शिनचैन के लिए और एक मेरे लिए। और गाइज़र हमारी एक और फेवरेट जगह, ये खतरनाक सा पार्टी एरिया, आप देखो सामने से निकल रही है खतरनाक खतरनाक लाइटें, यहाँ पे पूरा का पूरा बार बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस एरिया को बना रखा है, यहाँ बैठ के फुल पार्टी कर सकते हैं और सामने पूरा का पूरा लॉस सैंटोस के बीच का व्यू आता है। तो गाइज़र फटाफट से कमेंट करके बता दो हमारा खतरनाक सा मेंशन आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। और साथ में हमारी सारी की सारी सुपर कार्स यहाँ पर खड़ी है, हमारे पास नई नई सुपर कार, सुपर बाइक्स, हेलीकॉप्टर आ चुके और ये हमारी खतरनाक सी बोट भी आ चुकी जो कि हमने खरीदी है $10 की। तो गाइज़र मैं तो जा रहा हूँ अपनी खतरनाक सी बोट में घूमने के लिए, अगर आपको भी मेरे साथ चलना है तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो आपको भी चलना है तो आपको भी ले चलेंगे हमारी बोट में घूमने के लिए। तो गाइज़र आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे सब्सक्राइब कर देना, आज हमने अपना $10 डे मना लिया है, अगला जो $1 डे आने वाला है वो आने वाला है $1 डे, मतलब सारी की सारी लॉस सैंटोस में चीजें $1 की मिलने वाली है, तो उस दिन पर और भी मजा आएगा। तो गाइज़र इंस्टाग्राम और डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना और हम मिलेंगे आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।